हेलो। हाँ, पर ये विकास का काम चल रहा है, किस तरीके से बक्सर स्टेशन को डेवलप करने की कोशिश हो रही है और गुणवत्ता का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, अभी हमारे DRM सर का आदेश है कि बक्सर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है और यहाँ का जो पार्किंग है और यहाँ जो गार्डन है, इसका रिनोवेशन किया जाए, इसको और सौंदर्यीकरण इसका बढ़ाया जाए, तो उसी की दिशा में ये हमारा पहला वर्क है। ऑलरेडी हम लोग FOB से लेके और मेन सर्कुलेटिंग एरिया तक रोड बना चुके हैं, RCC रोड, और ये हमारा अगला है जो इसमें हम मैस्टिक वर्क कर रहे हैं सर्कुलेटिंग एरिया में। इसके मैस्टिक वर्क से हमको यहाँ का जो रोड है इसका क्वालिटी इम्प्रूव होगा, प्लस जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम ये अच्छा होगा। ड्रेनेज अच्छा होगा तो रोड का हमारा जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। लोगों को इतना बारिश के टाइम में जब इधर जाम लग जाता है, कीचड़ वगैरह समस्या इन सबसे निजात मिलेगी और सबसे बड़ा हमारा ये सुंदर दिखेगा स्टेशन। इस तरह का अच्छा निर्माण हो रहा है, लोगों को भी तो कोई अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे हम इतना इस चीज़ के लिए उत्साह दिखा रहे हैं कि हमारा बक्सर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म सर्कुलेटिंग एरिया, ठीक है, और इसका अप्रोच जो है ये एकदम हमेशा सुंदर रहे, तो लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि ये भी अपनी ही प्रॉपर्टी समझ के इसको सुंदर बनाने में हमारी मदद। अतिक्रमण वगैरह भी हो गया है स्टेशन के आसपास, उसमें अतिक्रमण के लिए हम देखो बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं जी जी, और DRM सर को भी बहुत बार इस चीज़ के लिए सूचित किया जा चुका है। DRM सर बराबर इस चीज़ के लिए इस पर एक्शन ले रहे हैं और देखो होपफुली जल्दी ही अतिक्रमण से निजात मिल जाए सर। एक मिनट सर, ये बक्सर में अभी ये काम चल रहा है, यहाँ पे प्रपोजल दे रखे हैं डिवीजन को, दानापुर डिवीजन को, जिसमें है हमारा हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट हो गया, गार्डन का रिनोवेशन हो गया, पार्किंग स्टैंड का रिनोवेशन विद बाउंड्री वॉल हो गया, और चीनी मिल गेट से लेके और हमारा जो नया FOB है यहाँ तक हमारा प्रॉपर रोड हो गया RCC का, ठीक है, उसका वेट लगभग 15 से 20 मीटर वेट होगा। तो ये कहा जा रहा था कि बक्सर विश्व स्तरीय स्टेशन में शामिल हो गया, तो उसी के कवायद में इस तरह कहें कि विकास का ये काम चल रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसी का ही है कि मतलब आगाज हुआ है हमारी तरफ से, बाकी इसके लिए अभी देखो फंड का और सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो अभी वो सब अंडर प्रोसेस है, देखो होपफुली जल्दी हो जाए। सर नाम और पद बता दिया जाए? मैं हंसराज मीना, सहायक मंडल अभियंता, बक्सर, इंडियन रेलवे।